बस किराए में 18% बढ़ोतरी की गई है। रमन कैबिनेट की बैठक पर इस पर फैसला लिया गया। पिछले दिनों 25 जून को आपको बता दें कि 25 जून को यातायात महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी। हालांकि परिवहन मंत्री राजेश मूणत से मुलाकात के बाद यातायात महासंघ ने हड़ताल वापस ले ली थी, जिसके बाद किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। वहीं बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर अब बस में सफर करने वाले यात्रियों ने नाराजगी जताई है। यात्रियों ने बढ़ोतरी को अनुचित बताया है। हम लोग श्रीमान जी सरगुजा से आ रहे हैं, रात में गाड़ी बैठे थे, किराया भाड़ा इतना बढ़ गया है जिस कारण हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। किराया बढ़ाया गया वो गलत बात है भैया, इतना महंगाई भी हम लोग कहाँ कर पाएंगे। गरीब इंसान है भैया, हम लोग कम से कम किराया करना चाहिए।